जय हो मैया, महाकाली माता की जय। जय हो मैया, लक्ष्मी माता की जय। जय हो मैया, सरस्वती माता की जय। बच्चा लोगन, आज नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माता पाटन देवी माता के विशेष पूजा में हम नौ देवी के भोग लगा रहल बनी। बोला जग कल्याणी पाटन देवी मैया की। चला शुरू करा बच्चा लोगन, शुरू करा लोगन। खा बटकी चाची, आप पाटन देवी मैया के रोज पूजा करती हैं। आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन देवी मैया के भोग लगा के हम लोग को खाना खिला रही हैं। पाटन देवी मैया के बारे में कुछ तो बताइए हमें। हाँ, हमें बताइए। ठीक बात, बताओ बतानी। जय हो जग कल्याणी पाटन देवी मैया। गुड़िया बिटिया। हाँ चाची। पाटन देवी मैया के महिमा अपरंपार बा। 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध माता पाटन देवी के कहानी बड़ी रोचक बा। कहल जाला कि माता सती के पिता राजा दक्ष एक विश्व यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ के अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया था, लेकिन सती के पति भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, जिससे दुखी होकर माता सती जलते यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दी। जब महादेव को इस बात का पता चला तो बेहद क्रोधित हुए और सती के जलते हुए मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड पर चक्कर लगाते हुए घनघोर तांडव करने लगे, जिससे सभी देवी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास जाकर मानव धरती की रक्षा के लिए विनती करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र लेकर जलती हुई माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती के अलग अलग जगहों पर गिरते गया और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के खंड गिरते गए और वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जय हो पाटन देवी मैया। बोला बच्चे लोगन, जग कल्याणी पाटन देवी मैया की जय। ये देखा, यहाँ तो धर्मशाला बनल बा। पूजा पाठ के नाम पे अनाज लुटावल जा रहल बा। मम्मी, सुबह से हम भूख से मर रहल बानी। तब बड़की मम्मी कहली कि पहले पूजा होई तबे खाना मिली। अब सुबह पूजा होई तब खाना मिली, सांझ की आरती होई तब खाना मिली। मम्मी, ये सब का चल रहल बा? ये तो सब ठीक चल रहल बा। से जबले हमार बड़की भौजी चाहिए तबले पूजा पाठ से मन के शांति मिलेला, और बड़की भौजी अपने परम शांति के लिए तब जब पूजा पाठ करे नहीं। देखा अंजलि कमाई, तो हमार मालकिन यानी कि हमार पत्नी जरूर बाड़ू, लेकिन ये घर का असली मालकिन हमार बड़की भौजी बाड़ी। नाते उनका जिक्र मन कही होकर पूजा करिए और हमने उनके सम्मान करे के बड़ी। आओ चला। अरे बबुआ जी, का करे तानी बबुआ जी? बच्चे लोग अब जा तू लोग। खुशी चला खाना निकाल जाए। हाँ, समझ गई नहीं? चला हो ना तो दूसर मालकिनी आ जाई फिर और एगो पूजा पाठ शुरू हो जाए। वाह, घर के खाना कितनो खाला लेकिन भाई लोग जौन बाहर के खाना के मजा बाना ओकर बातें कुछ अलग। सही कहत रहो, चला घरे चल जा। हाँ। ए जनार्दन भाई, खाता में लिख रही मर दे। खाता में लिख ली और देखा तारे का लिखल बा, आज नगद कल उधार। खाद बेरी तो ठूस ठूस के खा ले तारा, अब पैसा देवे के बेर दबांगा ही दिखावा तारा। ना देव तो का कर लेबे बता, चुपचाप पैसा निकाल ना तो तोर सारा दबंगई निकाल दे। का जनार्दन खाना पीना के जगह पे कौन मारपीट करे शुरू कर देला लोगन? देखी ना राम कुबेर भैया, खाना भर पेट खा ले और पैसा देवे के टाइम दबंगई दिखावा तारा। कोनो बात ना, जा भाई तो लोगन पैसा हम देते हैं, जा। अरे जा जल्दी, मूड खराब हो जाए तो बर्तन साफ करे पड़ी, जा। चला चल चल। रउआ रोज रोज ये लोग के पैसा काहे दे देता नहीं? ऐसन हो कुछ पेड़ ऐसा लगावे के चाहिए कि ओकर मजा बाद में लेहल जाए। तोरा समझ में ना आई, सब मोह माया है। खुशी बिटिया तू जा देवी मैया के मंदिर जाके साफ सफाई कर दा और अंजलि और मनोज के भी बुला लिया, ठीक बा? का बोली? अंजलि और मनोज? हमार लड़का कबो अपन बनियान तक तो धोबे न करेले और तू ओकरा से मंदिर के साफ सफाई करवा चाहता रू? अगर अपन लड़कियन के साधु सन्यासी बनावे के ज्यादा शौक बना तो आराम से बनावा, लेकिन हमार लड़का पढ़ रहा बा। वैसे भी घर द्वार के सबरो काम तो हमार मनोज के पापा करेंगे। तू लोग साफ सफाई और खाना भी ना बना सके लो, बस काम चोरी के नाम पर अपन देवी माई के लेके बैठ जाला। चाची आज फिर से तू अपन प्यार बरसा रहल बाड़ू, अंजलि मनोज की बखान करत होकबू, है ना मम्मी? है ना खुशी? समझ गई नहीं चाची, तुझे अंजलि और मनोज के खातिर यहाँ पे भाषण देतारू, उनकर पढ़ाई अब हम दिखावतानी। मम्मी आप लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं पूजा खातिर, ठीक बा? आई आपके दिखावता नहीं ना अब। देखिए जाएं। ये पीछे पीछे पीछे, मार मार मार। तू लोगन की वजह से ऊपर ही की बच्ची हमके आज फिर सुना के चल गई। चल तू भी चल 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 ना। मनोज के पापा बस बहुत हो गई, कितना बार कहीं बंटवारा कर दी और इस झंझट से मुक्ति मिली। खराब हो गल तो है, इतना मेहनत से ही हमार भैया जवन हा इतनी बड़ी जायदाद घर द्वार प्रॉपर्टी बनौले हमें, खाली हनते अलगोल करा दी कि स्वर्गवासी हो गए हमें। एक बात कान खोल के सुन ला, जब तक हमार बड़की भौजी जिंदा बाड़ी तब तक घर में बंटवारा करे के बारे में क्यों कल्पना भी ना कर सकेला। भौजी हम कुछ गलत तो ना कहनी? नहीं बबुआ जी, बाकी रवा मुँह धो लेना, पूजा के टाइम होता। हम तैयार हो गए बहन जी। ना पहले पाटन देवी मैया के आरती होखी ओकरा बाद फिर कुछ। बिल्कुल। चली मम्मी, चल खुशी। चाचा चली ना। हाँ चला चला चला। यार हो क्या बनी? है? अब तो लोगों के कान होता तो एक बड़ी। जा जल्दी तैयार हो क्या हो? चल। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले ऐप।